Hi guys, welcome back to Simplified Education by Neha. Then what is education? शिक्षा जो है वो इस शब्द की उत्पत्ति या इंग्लिश में जिसको एजुकेशन कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है जिसके तीन मोस्ट कॉमन अर्थ निकाले गए हैं. पहला है एडुकेयर, एडुसियर और तीसरा है एडुकेटम. एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू नरिश. एडुसियर का मीन्स होता है टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट. एडुकेटम का मीन्स होता है टू एक्ट और टू ट्रेन. अब ये से तीन मीनिंग निकलते हैं. इसको फॉर्मली हम एजुकेशन को इन तीनों लैटिन शब्दों से ही डिराइव करते हैं जिसका मतलब है कि पालना, अंदर की चीजों को बाहर लाना, टू इनेट आउट. इसको बेसिकली ई प्लस ड्यूको से कह सकते हैं टू लीड इनसाइड आउट. एजुकेशन के बारे में जो है वो महात्मा गांधी ने इसी कंप्लीट डेफिनेशन दी. उन्होंने कहा कि वी फोकस ऑन द 3 X इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ हैंड, हार्ट एंड हैंड भी हमारा होना चाहिए, मतलब हमारा हाथ भी उसमें काम करना चाहिए, हार्ट भी हमारा काम करना चाहिए और हमारा हेड भी काम करना चाहिए. मतलब 3 X के कॉम्बिनेशन को जो है वो हम मानते हैं कि वो एक कंप्लीट एजुकेशन है. और भी लोगों ने कहा कि हम अपने जो हमारी जो इननेट एबिलिटीज हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम एजुकेशन का सहारा लेते हैं. उसको हम कहेंगे कि टू डेवलप एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ अवर इननेट एबिलिटीज इज एजुकेशन. ऐसे ही बहुत सारे जो हैं वो विभिन्न विभिन्न फिलोसफर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन एजुकेशन के बारे में दी है जिसको कुछ इन स्लाइड्स में जो है वो आपको दिख सकता होगा. अब हम लोग कितने प्रकार की एजुकेशन कितने तरह की होती है? 3 की होती है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हम लोग स्कूल में जा कर के लेते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर किसी कोर्स में हम एनरोलमेंट लिया हुआ है और वहाँ से हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, डिग्रीज मिलेंगी. हम एक टाइम बाउंड के लिए एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और एक फिक्स्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं, तो वो है हमारा फॉर्मल एजुकेशन जिसमें एक फॉर्मल करिकुलम होगा और हमको कुछ ना कुछ उसमें जो है वो डिग्री ज़रूर मिलेगी, तो वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है. जैसे मेरी है MSc MEd, तो मैंने उस कोर्स की पढ़ाई करी है, तो उसको कहेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन. सेकेंड इज इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन भी एक टाइप ऑफ एजुकेशन है बट इसमें हमें कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते, कोई डिग्रीज नहीं मिलती. हम कहीं पर भी जो है वो एजुकेशन को सीख सकते हैं जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड है. जैसे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, उसमें से हम YouTube पर वीडियो देख करके आजकल कोई कुछ भी सीख सकता है, कुकिंग सीख सकता है, फार्मेसी सीख सकता है, होम ऑर्गेनाइजेशन सीख सकता है, या कोई भी चीज़ अगर उसको सर्च करनी है तो वो YouTube पर सर्च करके उसको देख सकता है. उसको कहेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन. यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं है और कोई एक फिक्स करिकुलम नहीं है कि इसी फिक्स्ड करिकुलम पर ही हमको फॉलो करना है. और नेक्स्ट है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाती, वो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है. तो कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा. इन शिक्षा के 3 हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल यानी औपचारिक शिक्षा. उसके बाद में जो है इसको ट्राईपोलर प्रोसेस भी कहा गया है जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, शिक्षक, छात्र और उसका पाठ्यक्रम. दिस इज अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन कि एजुकेशन क्या है. और हर किसी को जो है वो 6 से लगा करके 14 साल तक का जो है वो RTE 2009 में ये एक्ट आया था जिसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया था कि हर बच्चे को 6 से लगा करके 14 साल तक की जो है वो एजुकेशन सबको जो है वो प्राप्त करनी चाहिए. ये प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है. और NEP जो अभी लागू करी गई है 2020 में, उसमें 6 से लगा करके 18 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई है. यानी कि अब उन्होंने एज को बढ़ा दिया है कि अब 6 से लेकर के 18 साल तक की एज को एक
एक हर बच्चे को प्राप्त होनी चाहिए, ये एक शिक्षा का नया लक्ष्य है। आशा करती हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।